वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सशकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ गागी क्लासेस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पेज के डिस्कशन पे। आज डेट है 19th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं, आज देखिए फ्रंट पेज पे एडिटोरियल पेज पे तीन आर्टिकल्स हैं। एक तो है आपके इंडियन डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है ना, इसमें जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, कि कितने हमारे पास रोजगार हैं, कितने यूथ अभी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उसके बारे में है। और इस साइड लेफ्ट साइड एक आर्टिकल है, वो है आपका जो है इसरो ने अब जो है, आपको पता है कि स्पेस एजेंसी यानी स्पेस को जो है पहले जहाँ पूरा इसरो ओन करता था, अब जो है इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसने अलाउ कर दिया है। तो उसके बारे में है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक। इसके अलावा एक क्योर कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं LGBTQIA जो कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें लेस्बियन गे सब आते हैं अलग अलग, तो इन सब के बारे में है कि अब सरकार क्या एक्शन उठा रही है, क्या राइट्स हैं, किन किन को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आइडिया पेज से एक आर्टिकल है, तो हम डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है राइटर बताना चाह रहे हैं कि आज जो है इंडिया का जो पोजीशन है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है, यानी एक सही जगह पे अभी नहीं है। क्यों है? क्योंकि देखिए आप बात करोगे, अपनी इकोनॉमी की बात करोगे, तो काफ़ी डेकेड से जो है अब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस से देखोगे, जब से हम आज़ाद हुए तब से आपका जो है जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ आपकी जो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है यानी ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का जो इंगेजमेंट है वो भी काफ़ी हद तक जो है बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और इवन अब जो है जहाँ आज से 30 साल पहले भी इंडिया एज अ पुअर कंट्री कहलाता था वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू, वहाँ आज जो है इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ एक दोस्ती का, एक नेगोसिएशन का, एक अगर कोई इशू, अगर वॉर जैसे इशू है तो वहाँ पर भी जो है इंडिया का रिस्पॉन्स जो है देखा जा रहा है, ये सुना जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया अपना स्टैंड रखे यहाँ पर, ठीक है। तो राइटर बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा की ड्राइवर है, ठीक है, इतने डेकेड से हमने जो है काउंटर करने के लिए भी, इवन चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो वेस्ट इकोनॉमी है वो इंडिया को यूज़ कर रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया का जो वॉल्यूम है या ग्रोथ है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है पहले के कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे, आने वाला जो तीन डेकेड है यानी आपका, क्योंकि देखिए आज 2024 चल रहा है, हमारा टारगेट है 2047 तक, यानी अभी कम से कम 25 साल के आसपास, दैट मीन्स तीन दशक चाहिए, है ना। तो उसमें इन्होंने बोला कि तीन डेकेड के अंदर अब इंडिया किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में आएगा, की ड्राइवर के फॉर्म में बनेगा, क्या वो बनेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क से राइटर जो हैं क्वेश्चन पूछ के शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इंडिया के सर पे ना बहुत सारे एक हेडविंड्स चल रहे हैं, जैसे पहला इशू ये बता रहे हैं, सबसे पहला इशू जो इंडिया फेस कर रहा वो है एम्प्लॉयमेंट इशू, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में ना मिडिल एज जो एक एवरेज एज है मिडिल एज वो है 28 ईयर की, अगर 140 जो बिलियन अगर पॉपुलेशन है उसमें से कम 70 करोड़ के आसपास, 70 से 80 करोड़ आसपास यंग पॉपुलेशन हो जिनकी एज 28 या 28 से कम ही है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में जो है लो डिपेंडेंसी रेशो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि 100 वर्कर्स हैं, ठीक है, 100 वर्कर्स में एवरी 40 जो है वर्कर्स हैं उसमें से डिपेंडेंट है, दैट मीन्स या तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं है, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, जिनकी वजह से उन्हें जो है किसी और पर निर्भर होना पड़ रहा है अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, ठीक है, यानी अपना जो है चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए। तो इंडिया जो है लो डिपेंडेंसी रेशियो इसमें स्पेशली जो है, क्योंकि देखिए मतलब लो डिपेंडेंसी रेशियो एक तरह से अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो यंग है, ठीक है। अगर आप US की बात करोगे, आप जापान की बात करोगे, वहाँ जो है ना 60% से ज़्यादा लोग बूढ़े हैं, उन्हें अब डिपेंड होना पड़ा है अपनी यंग जनरेशन के लिए, लेकिन इंडिया के साथ उल्टा है ये, ठीक है। तो यंग जनरेशन इसीलिए बोल रहे हैं, तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ना कम से कम इंडिया में 10 मिलियन न्यू वर्क जो है वो बढ़ेगा, 10 मिलियन न्यू वर्कर, ठीक है। तो जो चीज़ जो है एक बहुत ही अच्छा काम करेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड में, क्योंकि 10 मिलियन लोग जो सीधा जो है जॉब करेंगे आगे, तो इससे क्या होगा कि वर्किंग एज जितनी ज़्यादा होती है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो उतनी ही रैपिडली बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना तो ज़्यादा ओल्ड एज की प्रॉब्लम है कि ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, डिपेंडेंसी वो रेशो नहीं है, दूसरी बात ज़्यादा यंग बच्चे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे हों, उन्हें ध्यान देना पड़ रहा हो, तो इसीलिए कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट मीन्स बीच एज के हैं, जो सबसे ज़्यादा भागने की एज है, सबसे ज़्यादा कमाने की एज है, ठीक है। तो ये अभी आपके पास तीन डिकेड का टाइम है इंडिया के पास, ठीक। तो राइटर यही बता रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है अब, लेकिन हमारे इंडिया के लिए वो जो है वो दो
अ डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब एक ही उसमें दो धार तलवार की तरह है। ये अच्छा भी करेगा, अगर देखिए आपकी जितने भी यंग पॉपुलेशन, अगर उनका उनको सही तरीके से जॉब मिल गई, उन्हें सही तरीके से जॉब सिक्योरिटी रही ना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव का काम करेगा आपके इकोनॉमी ग्रोथ में। अगर वहीं ये चीज़ जो है ना नेगेटिव हो गया कि जॉब आपके पास नहीं है, लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो साल भर साल बढ़ती गई ना, तो आने वाले टाइम पर ये ओल्ड भी होंगे पहली बात, और अनएम्प्लॉयड भी होंगे, ठीक है, मतलब ये किसी और पे भी डिपेंड है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो सोचिए इकोनॉमी की ग्रोथ ऑलरेडी स्लो डाउन जाएगी, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन भी नहीं होगी, तो ये क्योंकि ओल्ड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है और वो भी अनएम्प्लॉयड के साथ, तो ये बहुत ही बड़ा जो है बर्डन का काम करेगा इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इसीलिए इसे अ डबल एज स्वॉर्ड बोला है राइटर ने। तो दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ दो बात बोली है राइटर ने कि एक तो ये है कि कंट्री के पास जो है एक ह्यूज सप्लाई ऑफ यंग पॉपुलेशन है, एक मिनट, ठीक है, एक तो ह्यूज सप्लाई ऑफ यंग पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, दूसरी बात लेकिन कंट्री के पास, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंट्री के पास जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन सारे जितने भी लेबर्स, जितने वर्कर्स हैं उनके प्रोडक्टिव के लिए, क्योंकि देखिए चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है सबकी जो स्किल होती है वो तो सेम नहीं होती, सबकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो सेम नहीं होगी, और जब ये एक लेवल पर होगी तभी वो जो है वर्कर्स जो हैं उस कंट्री के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि मैचिंग द प्रोसेस किस चीज़ के लिए, कि लेबर मार्केट में जो स्किल है, जो लेवल है, उनका का मैच करना, ये बहुत ही बड़ा एक इशू, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, जहां मैसिव वर्कर्स जो है लेबर पूल में एक जैसे, एक से एक अच्छे काम करें यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसके साथ साथ जो है राइटर यहां बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के मार्केट, लेबर मार्केट में एक और जो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि हम धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर से नॉन फार्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि एग्रीकल्चर में आज भी कम से कम 60% लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया के अंदर में, या तो वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से जो है उससे निकलने वाले फूड इंडस्ट्रीज़ में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि हमें उन्हें जो है नॉन एग्रीकेरियन, दैट मीन्स फैक्ट्रीज़ में हमें शिफ्ट करना है पहली बात तो, ठीक। दूसरा चैलेंज जो है, उसमें से भी दो चैलेंज है, क्या है उसका पहला चैलेंज ये है कि लोगों के पास स्किल होना चाहिए उतना कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर जाने के लिए कैपेबल हो, क्योंकि देखिए सीधा अगर एग्रीकल्चर का पर्सन जो जा रहा है, जिसे एग्रीकल्चर करना आ रहा है, उसको आप फैक्ट्री में भेजोगे तो फैक्ट्री के लिए भी तो एक स्किलिंग पावर होगी ना, कि वो मशीन चलाने के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है ना, तो इन सारी चीज़ें। और सेम अगर आप एग्रीकल्चर के पर्सन को अगर आप सर्विस सेक्टर में भेजोगे तो सर्विस में तो हाई स्किल मांगती है, हाई स्किल जो है आपके प्रोफेशनल, आपकी डिग्री के साथ साथ जो है बहुत सारे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर आप एग्रीकल्चर से भी अपने आप को दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक। दूसरा सेक्टर जो है, दूसरा चैलेंज जो है वो है लोकेशन का, दैट मीन्स यह है कि आप नॉन एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट है अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रूलर से अर्बन की तरफ शिफ्ट हों, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी कि रूलर से सीधा सीधा लोग जो है अर्बन की तरफ बढ़ेंगे, इससे एक स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप रूलर से अर्बन की तरफ शिफ्ट होते हो ना, तो क्या होता है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो माइग्रेशन कॉस्टली पड़ जाता है, किस फॉर्म में, मेंटली, मॉनेटरीली भी और सोशली भी, क्योंकि सोशली इसलिए कि बहुत 20-25 साल तक वो गाँव में बचपन में रहे, अचानक से उन्हें अर्बन में जाना पड़ा, क्योंकि अर्बन का लाइफ स्टाइल, देखिए जो बच्चा अर्बन में पैदा हुआ है या अर्बन में ही रहा है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, लेकिन रूलर के लिए अर्बन आना बहुत बड़ा चैलेंज है, लाइफ स्टाइल अलग है, खान पान अलग है, लोगों का बिहेव अलग है, तो सोशल और मॉनेटरीली क्योंकि पैसा नहीं है वो उसी वजह से अर्बन आ रहा है, तो ये दोनों प्रेशर जो है एक यंगस्टर को जो है बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, और ह्यूज अमाउंट में है, क्योंकि आपके पास कम से कम कितने 70 करोड़ जो है यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो राइटर यहां ये दो मैसिव चैलेंजेस बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो है राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जो लेबर मार्केट है अभी जो मेनली वो लैक कर रही है वो ये है कि लेबर मार्केट में जो है मतलब अपने वो टास्क में कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। जैसे अभी एक रिपोर्ट बात करें, CMI की रिपोर्ट है, इन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो 8% है, ठीक है, 8% कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट है, और यही बात जो है अगर आप ILO की देखोगे,
अगर आप ILO की बात करोगे, इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। स्पेशली अगर ग्रेजुएट्स की देखोगे तो 29% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, और 18% ऐसे लोग हैं जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कर चुके हैं लेकिन आज भी वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, CMI की जो एस्टिमेशन में अभी है कि 20 से 24 साल की उम्र की एज में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, वो है 44%। ये अमाउंट बहुत होता है, बहुत, ठीक है। तो अब यही बात आ जाती है कि क्वेश्चन के किस तरीके से क्विकली इनको जॉब मिले, वो भी क्वालिटी जॉब मिले, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब बात आ जाती है कि क्या करें कि इंडिया की जो लेबर मार्केट है उसको होल्ड कर सके, ठीक। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ है, इंडिया राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम में क्या है ना, यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम है जॉब के ना मिलने का, वो है स्मॉल फर्म्स का होना। जो फर्म है दैट मीन्स जो नौकरी दे सकती है वो बहुत छोटे लेवल पे है, इतना एम्प्लॉयमेंट, इतनी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं करती है, या फिर अगर वो छोटी है, कम लोगों को रोजगार देती है, प्लस वो स्लो ग्रोथ करती है, लेस प्रोडक्टिव होती है एज़ कम्पेयर अगर आप वेस्टर्न की इंडस्ट्रियलाइजेशन को ध्यान दोगे, और स्पेशली अगर आप चाइना की जो इमर्जिंग इकोनॉमी उनका देखोगे, मैक्सिको की देखोगे, तो उनकी इमर्जिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर इंडिया के, कंपेरेटिवली काफ़ी लंबे बड़े फार्म्स हैं उनके पास, ज़्यादा लोग को नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि लैक ऑफ साइज और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है वर्कर्स को जॉब ना मिलना है। दूसरी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है वो स्किल डेफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप वाइट कॉलर्स की बात करोगे, वाइट कॉलर जिसमें आपके जैसे सर्विसेज में आ जाती है, जैसे आप इंजीनियर की बात कर लो, CA की बात कर लो, इन सब वाइट कॉलर्स में यहाँ एक और चीज़ जो ये है कि वो स्किल्स का रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम है। तो उसका जो है मेन रीज़न क्या है कि ऐसा क्या है कि इंडियंस के पास स्किल नहीं है। तो यहाँ घूम फिर के एक मेजर कॉज आ जाता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो राइटर कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अब जैसे यहाँ एसर की रिपोर्ट आपको पता होगा कि ये एजुकेशन के बारे में ये निकालती है, रिपोर्ट निकालती है, उसने ये बहुत पहले ही बताया था कि इंडियन के स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत वर्स्ट है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कहीं ना कहीं रोट लर्निंग्स को फोकस किया जाता है रेदर देन एप्लीकेशन बेस्ड, है ना, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से लेबर मार्केट में अगर आज हम बात करें कि स्किल की लैक है, वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल है एजुकेशन सेक्टर का लैक होना, ठीक है। और अगर आप कॉलर वाइट कॉलर सेगमेंट की बात करोगे तो वहां पे राइटर बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्रेजुएशन और हाई स्कूल डिग्री के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी एडिक्वेट स्किल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे इंडियंस के फर्म से भी एक सर्वे हुआ था, जैसे आपके इंफोसिस है या TMC या टाटा की ग्रुप है या फिर जो है जेनपैक्ट, इनसे सर्वे कराए गए थे, कि उनमें भी पता है क्या बोला गया था, उनके जब CEO से बात हुई थी कि इंडिया में ऐसा क्या रीज़न है कि इतनी यूथ पॉपुलेशन होने के बाद भी उन्हें जॉब ना देना या कम पैकेज में देना, तो पता है उन फर्म्स ने क्या बोला था कि कंपनी को जिस स्किल की ज़रूरत होती है ना, जिस स्किल से, वो स्किल इंडियंस के यूथ में लैक है। वो थ्योरी में तो बहुत बेस्ट है, थ्योरी में तो उन्हें मात नहीं दे सकते क्योंकि थ्योरी ही उन्हें कॉलेजेस में, IIT या किसी में भी ज़्यादा पढ़ाया जाता है रेदर देन एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ चीज़ लैक होने की वजह से क्या होता है कि जो लोग अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं तो उन्हें कम पैकेज में मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये, ठीक है। इसके साथ साथ जो राइटर कह रहे हैं कि अब इंडिया में जो अनफोल्डिंग लेबर मार्केट है, जो चीज़ अभी ढंग से यूज़ नहीं करी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लैशेस शुरू हो जाते हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आगे बढ़ने, बहुत सारे फर्म्स हैं जो स्टार्टअप्स के फॉर्म में बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं एक तरफ से प्रॉब्लम ये है कि रोजगार बेरोजगार जो है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे शाही एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं राइटर, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक ऐसे एक फर्म है एक्सपोर्ट मार्केट में काम करती है, ये कम से कम अपने फर्म से 1,20,000 लोगों को नौकरी देती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हर फर्म इतने लंबे अमाउंट में नौकरी नहीं देता है इंडिया में, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप बात करोगे और कंट्रीज़ की, जैसे वियतनाम, चाइना और बांग्लादेश में, तो यहाँ बहुत ही बड़े ह्यूज लेवल पे जो है, जैसे अगर बांग्लादेश के आप डॉक्यूमेंट देखना, वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट जो है लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, ठीक है, बहुत ही बड़े अमाउंट में जो है लोगों को ये रोजगार देता है। तो यहाँ एक चीज़ ये कम है। तो राइटर यहाँ एक और चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया में एक और प्रॉब्लम जो है ना वो है टैक्स रेगुलेटरी पॉलिसी और इन्वायरमेंट। इतना ईजी अभी तो फिर भी जो है इंडिया का जो है
चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर बाकी जैसे चाइना बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली अभी जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं इतना, ठीक है। इसके साथ साथ जो है राइटर एक और चीज़ फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास एम्बिशन नहीं है, लैक ऑफ एम्बिशन है स्मॉल एंटरप्रेन्योर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज किसी के पास एक किराना की स्टोर है तो वो बंदा उसी में सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ मैं इसी पे ही ठीक हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी मैं इसी में कमा लूँगा, अपनी फैमिली को गुजारा कर लूँगा। तो एक लिमिटेड स्केल में लिमिटेड, वो किराने के स्टोर पे एक या दो लोगों को जॉब पे रख सकता है ना, ये नहीं कि वो इस माइंडसेट से नहीं सोचता कि मैं अगर एक किराना स्टोर स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस जैसे मैं मल्टीपल स्टोर्स लगाऊँ, ठीक है, मल्टीपल लोगों को जॉब करूँ या इसको ह्यूज अमाउंट में मैं क्रिएट करूँ। तो राइटर यहीं बता रहे हैं कि ये लिमिटेड स्केल्स पे ही जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं इंडियंस में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके अलावा जो है राइटर यहाँ बता रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है एक प्रॉब्लम इंडियंस के साथ ये है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, अब देखिए अब आने वाले टाइम पे राइटर बता रहे हैं कम से कम 10 मिलियंस जो है फ्रेश वर्कर्स जो हैं आपके लिए रेडी रहेंगे आने वाले टाइम पे, यंग वो भी एजुकेटेड। और इवन ये जो वर्कर्स या ये जो लेबर मार्केट होगा ना वो अपने पेरेंट्स अपने से पहले वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होंगे, हाई स्कूल और कॉलेज डिग्री को लेकर लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास लेबर मार्केट में एक एक्यूरेट जो है जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है राइटर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी जो मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे मनी का फ्लो, जहाँ इकोनॉमी ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है इसके वजह से, और इससे कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट होती है तो इन जॉब सिक्योरिटी के, क्योंकि यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि इंडिया में अब जो है इन जैसे लोगों को जहाँ जिन्होंने लोग डिग्री कर रखी है, हाई स्कूल पास कर रखा है, वहाँ को गिग वर्कर्स के द्वारा जो है सेटिस्फाइड करने की भी कोशिश है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे जोमेटो स्विगी होते हैं ना जिनमें डिलीवरी का काम करना, या फिर इस तरीके से जो जेप्टो है इनमें जो एक गिग वर्कर्स एक टाइम पीरियड एक लिमिटेड टाइम पीरियड में काम करते हैं, है ना, तो उन जैसे वर्कर्स में भी ये जॉब तो दे रहे हैं लेकिन ये इनसिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है, कब जॉब से निकाल दे कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इन जैसी चीज़ों का सोल्यूशन अगर हमें देना है तो राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ सस्टेन जैसे चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा हमें अपने एक्सपोर्ट्स में, और बहुत बड़े लेवल पे हमें जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी बात जो डोमेस्टिक मार्केट है ना वहाँ पे जो स्मॉलर बनाने वाले प्रोड्यूसर है उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें जो अनप्रोडक्टिव बना रखा है उसको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स मेनली जो है माइंडसेट को भी चेंज करना है, क्योंकि देखिए आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए अपने आसपास जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ जैसे लिट्टी चौका एग्जाम्पल है, लिट्टी चौका, ठीक है, फूड आइटम्स में आ गया। आप सोचिए कि अब ये करने के लिए फेमस है किसी भी स्टेट का, जैसे ये बिहार का फेमस है, दिल्ली का छोले भटूरे फेमस है, खाने के आइटम्स में बता रही हूँ, तो हम इसको एक फूड आइटम की इंडस्ट्री से वर्ल्ड लेवल पर आगे स्प्रेड कर सकते हैं। ऑल्दो अभी बीकानेर और जो आपके हल्दीराम है ये सब चीज़ें ब्रांड बन गई हैं जो ग्लोबली जाके अपने आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आगे बांट रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे आपके होली के टाइम पे हमने है ना गोटियों के बारे में बात करी थी, जो लाल जो गुलाल की गोटियां होती हैं, है ना, गुलाल की गोटियां, तो वो भी फेमस है, उसके लिए भी आप जो है कंपनियां उसके लिए भी जो है बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। या फिर आप जो है जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जैसे चूंदड़ी बहुत फेमस होती है, ठीक है, जैसे टेक्सटाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे चिकन कढ़ाई है लखनऊ की, है ना, तो इन जैसे चीज़ों को भी आप एक्सपोर्ट करके बड़े लेवल पे ब्रांडिंग करके, क्यों, क्या ज़ारा और मैक्स या इन जैसे बड़े बड़े कंपनी ही अपने ब्रांड बेच सकते हैं क्या बाहर के, लेकिन इंडिया के भी तो आ सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ माइंडसेट भी बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है, ठीक है। तो राइटर यही चीज़ बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर का जो है माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो जो एंटरप्रेन्योर में जो क्लैशेज हैं कि उन्हें उनके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, वरना देखिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना एक तरीके से बर्डन पड़ जाएगा आने वाले टाइम पर अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। तो देखते हैं इलेक्शन शुरू हो गया तो अब आने वाले टाइम पर सरकार क्या करती है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में है ना अभी जो है अभी क्या है एलॉन मस्क है ना इस वीक में या इस वीक के नेक्स्ट वीक में जो है अभी इंडिया आने वाले हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि अब टेस्ला कंपनी आने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अभी यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट ने भी है ना फेब्रवरी में थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को लिबरल करने की कोशिश करी है स्पेस के उसमें, ठीक है। और इन्होंने क्या किया अभी 74% FDI को अलाउ कर दिया है इंडिया में प्राइवेट को, और 49% जो है सेटेलाइट की जो भी मैन्युफैक्चरिंग या डेटा प्रोडक्ट्स होंगे या लॉन्च व्हीकल
स्पेस पोर्ट्स के लिए अलाउ कर दिया है बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 100% FDI अलाउ कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जो स्पेस रिलेटेड जो भी टूल्स चाहिए होती है, जो भी मैन्युफैक्चर करना होता है, वो सब इंडिया में आप 100% FDI में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो राइटर यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार एक चीज़ है, एक्सेलेंट है कि आने वाले टाइम पर हम अपने जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए। और राइटर बता रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों में या ग्लोबली जो है अटेंशन तब मिला जब हमने लास्ट ईयर चंद्रयान को जो है लॉन्च किया, ठीक है। और अभी जो है इसरो अपना जो है अब अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए अब तैयारी शुरू कर चुका है वो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसका प्लान है। तो इस तरीके से जो इसका एक्सपांशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को भी एक मौका मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस था, एक हैदराबाद कंपनी है, एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप शुरू किया है इसने, पहली बार इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड एक डिज़ाइन रॉक जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है ड्रिवन करती हैं कि सक्सेसली गवर्नमेंट के रहते हुए सेल्फ रिलायंस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अब अपने आप को इन्वेस्ट कर रही हैं इन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के जो ग्लोबल स्पेस है उसके जो इकोनॉमी में, वो 2-3% तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में वो शेयर करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है पिछले 2030 तक वो 10% तक इसको इंक्रीज करने का टारगेट कर रहा है। और नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी इन सेंटर्स के द्वारा इन्होंने बोला है कि जो एजेंसी है, दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में जितने भी हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अब जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट 22 मिलियन जो है नेक्स्ट 10 साल के अंदर करने की बात करी है, ठीक है। और स्पेस पॉलिसी जो है अभी लास्ट अप्रैल में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस चीज को लिए, और बहुत सारी चीजें जो है इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी चेंजेस करे हैं, ठीक है। ताकि इसमें जो है मेनली इसमें चेंजेस करने का बहुत बड़ा रीजन है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो है उनको अलाउ किया जाए, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और इस सेक्टर को और आगे लेके जा सके। अभी जैसे आपको बताया कि FDI यहां 49% अलाउ है किस चीज में, डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस इकोसिस्टम जहां पहले सिर्फ इसरो बेस्ड था या गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब इसको प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो यही चीज है। तो राइटर बार बार कह रहे हैं कि इसरो के डोमिनेंट पेज जो है अब सीधा सीधा प्राइवेट मार्केट के एक फ्रीडम मार्केट में आ गया है, तो इससे होप है कि अब FDI इसका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके ये LGBT कम्युनिटी के बारे में है। देखिए अभी कुछ खास चेंज तो नहीं आया, आपको बताया कि लास्ट ईयर से पहले सेक्शन 377 लीगल कर दिया गया था, दैट मीन्स जो है आप मतलब इनको जो LGBT के इनके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट ईयर जो है सेम सेक्स मैरिज की भी जो है बात उठी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केसेस चले थे, लेकिन एट दी एंड जो है इसमें 3-2 के जजमेंट से जो है ये केस जो है पेंडिंग में है, मतलब दैट मीन्स इसमें फाइनल डिसीजन ये सुनाया गया था कि अभी जो है सेम सेक्स जो है इंडिया में अलाउ नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए कहा था कि जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है वही जो है अब इस पर लॉ लेके आएगी। तो अब इसके लिए जो है कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपने एक 6 मेंबर की कमेटी बनाना शुरू कर दी है, जिसमें ये मेनली फोकस करेगी इन कम्युनिटी पे क्या क्या इशूज हैं, इन्हें क्या क्या नीड हैं, इनके राइट्स हैं, इनके राइट्स क्या हैं, ठीक है। उसके लिए जो है राइट्स ग्रुप्स बनाएगी और एक्सपर्ट से जो है सजेशंस लिया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा कि क्या करना है इन ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो अब यही चीज जो है राइटर बता रहे हैं कि लेकिन देखिए अब पूरा ये जो है एपेक्स कोर्ट ने भी बोला कि अब ये लेजिस्लेशन के अंडर में, दैट मीन्स जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में है कि वो कितना लॉ बनाती है, किन किन राइट्स पे फोकस करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए लास्ट ईयर जब ये केस गया था तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इन लोगों को है ना क्या क्या राइट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट जो है ये है कि यहाँ पे इनको फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए, इनको बैंकिंग जैसे फैसिलिटीज, मेडिकल पर्पज जैसे हो गया, जेल विजिटर्स हो गया, जैसे आपको पता है कि चलो लेस्बियन गे का तो पता नहीं चलता ओपनली, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा बिहेव होता है, उन्हें बैंक अकाउंट नहीं दिया जाता, उनके आधार कार्ड्स नहीं होते, रेशन जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है वो इनवेल कर ही नहीं पाते, और हम कहते हैं कि ये लोग भीख मांगते हैं, जब इनके पास सोर्स ही नहीं है गवर्नमेंट तक अप्रोच करने के लिए तो फिर ये भीख ही मांगेंगे, है ना, ट्रैफिक पे क्या करें। ये एक सोसाइटी का एक फेलियर है। अगर देखिए इन जैसे चीज़ों को LGBT कम्युनिटी पे फोकस करना, सोसाइटी को इक्वालिटी पे लेके जाना है, इक्विटी करना है, अगर ये चीज़ कोई भी सोसाइटी करने में सक्सेस नहीं होती है ना, तो सोसाइटी का ये फेलियर है। याद रखिएगा, एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं कहलाओगे, एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहलाएगी जहाँ पे
पर्टिकुलर ग्रुप, वो ट्रांसजेंडर है, वो गे हैं, वो लेस्बियन है, वो क्यूर है, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। अगर आप इनके राइट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो वो सोसाइटी एक सक्सेसफुल सोसाइटी नहीं होती है। खैर, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपको जेल विजिटर जैसे उनके पास और भी राइट्स हैं, इसके साथ साथ जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस करने का राइट, मेंटेनेंस करने का राइट, बेनिफिशियल जैसे इनकम टैक्स 1961 के अंडर में उन्हें भी इनकम टैक्स ना भरने का राइट्स है, या नौकरी है, या पेंशन, फैमिली पेंशन जैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ग्रांट उनको देनी चाहिए, देना बनता है। ये किसने, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। तो अब जो है कमेटी बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जो इन चीज़ों पर जो है अब काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब देखिए, एक सर्वे राइटर बता रहे हैं यहाँ पे कि प्यू रिसर्च जो है, एक रिसर्च हुआ था 2022 से 2023 के बीच में, जिसमें इन्होंने बोला था 53% इंडिया के यंग पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्री करती है कि सेम सेक्स मैरिज को इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। तो खैर, अब इस पर बात आती है, और अब जैसे अभी इलेक्शन का भी टाइम है, तो राइटर बता रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में बात करी थी कि यूनियन लॉ में वो चेंजेस करेगा, स्पेशली LGBTQI कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। और स्पेशली जो CPIM है पार्टी, इन्होंने भी कहा कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा सेम सेक्स कपल मैरिज को, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो राइटर बता रहे हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ट्रांसजेंडर को फोकस किया, बाकी LGBT को तो नहीं करा, LGBT को तो नहीं करा, लेस्बियन गे को, लेकिन उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को बोला कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, उसमें इनको एक्सेस दिया जाएगा, और जो गरिमा गृह है, ये चीज़ें जो है ताकि उनके लिए घर वगैरह जो है प्रोवाइड करा जाए, इन जैसे चीज़ों के लिए जो है अभी इनके मैनिफेस्टो में देखा गया है, ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल एटलीस्ट गवर्नमेंट इनको एड्रेस तो कर रही है ना, चाहे पार्टी कोई भी हो, देखो पार्टी कोई भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या DMK हो, कोई भी पार्टी हो, एटलीस्ट वो लोग एड्रेस कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें दिख रहा है। तो राइटर कह रहे हैं, कई बार देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि क्या होता है कि गवर्नमेंट का इससे पहले ना इंटरेस्ट लेना कहीं ना कहीं वोटिंग पे भी डिपेंड हो जाता है, क्योंकि इन लोगों की संख्या इतनी नहीं होती है, पॉलिटिशियन को फ़ायदा नहीं होता है, तो ये चीज़ भी बोली गई है। खैर, अगर लेकिन दौर चेंज हो रहा है, सरकार इन पर ध्यान दे रही है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव सिस्टम को दिखाता है, तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। देखिए एक आर्टिकल, हाँ देखिए इसमें आइडिया पेज पे है ना, इसमें राइटर क्या है, मैं एक बार समरी बता देती हूँ। इसमें राइटर 4P की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 4P क्या है आपका, मेनली है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनरशिप और पब्लिक पीपल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, ये पूरा ओवरऑल बताना चाह रहे हैं कि किसी भी नेशंस के लिए ना डेवलपमेंट में ये 4P बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट करने में। तो ये जो है यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट का, कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में ये 4P का काफ़ी अच्छे यूज़ किया है। तो उसको कैसे यूज़ किया है, उसके लिए इन्होंने यूज़ किया है स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा था, उसमें किस तरीके से ये 4P ने सक्सेसिवली अचीव किया है, कि पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल था, पब्लिक फाइनेंसिंग भी हुई थी, पार्टनरशिप भी था, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी था। तो इससे ये राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जो ये अभी देखिए क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक और IMF की ना मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, तो वहाँ पे जो है बात हो रही थी पेरिस पैक्ट फॉर पीपल और द प्लैनेट। मतलब इन्होंने कहा था कि अब जो है कोई भी कंट्री अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ना, ऐसा ना हो कि वो प्लैनेट को ही जलाने या प्लैनेट को इग्नोर करने पे आ जाए। तो यहाँ ये फोकस कर रहे थे कि हमें फोर द प्लैनेट 4P को फोकस करना है। तो यहाँ राइटर जो है ना सजेशंस दे रहे थे कि ऐसा ही कुछ इस 4P से ही मिलता कुछ हमारे इंडिया में 2018 में भी महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो हमारे सैनिटेशन के मिनिस्टर्स हैं, और उसके साथ साथ 55 देशों ने मिलकर एक 4P के बारे में बात किया था, ठीक है। तो वो 4P जो है वो मेनली क्या था, वो था पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप और पीपल पार्टिसिपेशन। तो राइटर यहाँ सजेशंस दे रहे हैं कि इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी इन 4P पे फोकस करना चाहिए, या इंडिया से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इसने 4P से बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं किस बेसिस पे अचीव किया है इसको, तो इन्होंने यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का एग्जांपल लेके बताया है कि 4P कैसे सक्सेस हो सकता है किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत मिशन को जो है शुरू किया, तो इसमें मेनली ये था कि हमें ओपन डिफेक्शन को खत्म करना है, ठीक है, खुले शौचालय को। और उसी में जो है इन्होंने मेनली कहा कि 550 मिलियन इंडियंस की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया, स्पेशली वुमेन्स, और घर में जो है जन आंदोलन शुरू किए, किस चीज के लिए, बिहेवियर चेंजर्स के लिए। और इससे क्या हुआ, कम से कम जो है इंडिया के अंदर में 100 टॉयलेट्स का यूज किया, ठीक। तो इसी चीज में अगर हम बात करें तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक अचीव करने के 17 गोल्स हैं, उसमें से एक गोल है आपका नंबर 6 जो वाटर और सैनिटेशन की बात करता है। तो राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि
इसी चीज़ को जो है मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया कि आपके जो हैं कि किस तरीके से स्वच्छ भारत के मिशन से आप सस्टेनेबल जैसे डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ को भी आप अचीव कर सकते हो। और इसी चीज़ के लिए 2019 में ना न्यूयॉर्क ने ग्लोबल गोल पीकर्स के अवार्ड से जो है नवाजा किसको, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स को। ठीक है, तो राइटर यही बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो न्यू विजन है वो ये है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लानट। कि वर्ल्ड बैंक ने अब जो न्यू विजन उठाया वो ये है कि हमें पॉवर्टी को रिडक्शन करते हुए, लेकिन हमें जो है अपना प्लानट को, ऐसा नहीं है कि आप गरीबी को निपटाने के लिए ना आप ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हो अर्थ का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिसोर्सेज खत्म कर रहे हो, ये नहीं करना। हमें रिसोर्सेज भी बैलेंस करना और हमें जो गरीबी है वो भी इरेडिकेट करना है। तो यहाँ पे वही चीज राइटर बता रहे हैं कि यहाँ इंडिया से जो है इन्हें लर्न करना चाहिए कि 4P को किस तरीके से इन्होंने यूज किया। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पहला पी आता है पॉलिटिकल लीडरशिप की। तो इन्होंने बताया कि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वही ग्राउंड रियलिटी पे उतरे। और इन्होंने सबसे पहले जो है 15 अगस्त 2014 को जब इन्होंने का फर्स्ट इंडिपेंडेंस था उसमें इनॉग्रल करते हुए इन्होंने बोला कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया को अपनी जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी पहले के लिए करना, उसको अब इसको सही करने का, जैसे ओपन डिफेक्शन को खत्म करना था, जिससे हम जो है अपनी डिग्निटी को, अपनी हेल्थ को, अपनी सिक्योरिटी को, स्पेशली जो हमारी वुमेन्स और जो गर्ल्स हैं उनके लिए, हमें इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने बात शुरू करी। और इसके साथ साथ जो है मतलब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पी जो है उसको बहुत ही सक्सेसफुली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अचीव किए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम बात करें इन्होंने जो है सेकंड दूसरा बोला है फाइनेंस का। ठीक है, अब फाइनेंस के लिए भी देखिए बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी इन पॉलिसीज़ को, जैसे ओपन डिफेक्शन, सैनिटेशन के लिए भी जो है एक पब्लिक गुड्स को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जो है खर्च किए हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज़ रखी गई यहाँ पे लीडर्स के द्वारा, इन्वेस्टमेंट किया गया सैनिटेशन पे, स्पेशली हमारे पॉवर्टी को भी इरेडिकेट करना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जो है हमें बेटर करना है। तो इसके लिए क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिलकर जो है सैनिटेशन के लिए ही केवल सिर्फ 20 बिलियन जो है डॉलर यहां पे इन्वेस्ट किया। तो यहां पे जो दूसरा है इन्वेस्टमेंट की बात है, पब्लिक फाइनेंस की बात है, तो वहां पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ और सैनिटेशन मिनिस्टर्स ने भी यहां पे पर्सनली ये बात बोली कि हमें जो है स्वच्छ भारत मिशन को, सैनिटेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी को इंडिया को देखा देख जो है नाइजीरिया ने भी बहुत ही जल्दी क्लीन नाइजीरिया प्रोग्राम शुरू किया। और उन्होंने, नाइजीरिया ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करी कि क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके प्रेसिडेंट से बात करके इंडिया जैसे सैनिटेशन की जैसे चीज़ों को नाइजीरिया में अप्लाई करेंगे क्या। ठीक है, तो दैट मीन्स इंडिया का इतना ज़्यादा सक्सेस था कि बाहर की जो दूसरी नेशंस है वो भी ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि इंडिया की जैसे ही हमें भी बनना है। ठीक है, थर्ड चीज़ आ जाती है पार्टनरशिप पी से। तो स्वच्छ भारत मिशन के बीच में जो है इन्होंने कहा, देखिए ये एक तरीके से कभी भी ऐसा लॉन्च नहीं किया गया कि एक सरकारी प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे जो है प्राइवेट प्लेयर्स जैसे आपके वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या अगर आप लोकल लेवल के लोकल पंचायत, स्कूल, चिल्ड्रंस, इन सब ने देखा होगा, पार्टिसिपेट किया होगा सब ने, और स्पेशली मीडिया और स्पोर्ट्स स्टार्स का भी बहुत बड़ा रोल लाए स्वच्छ भारत मिशन को आगे पहुंचाने में। तो यहां यही बात है कि जो पार्टिसिपेशन है वो जो है बहुत ही अच्छा रहा है। और दूसरी बात जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे राइटर बता रहे हैं कि 600,000 गांव में हमने जो है इंडिया को ओपन डिफेक्शन से जो है रिलीज किया है। ठीक है, और रूरल कम्युनिटी है यानी जो गांव के लोग हैं उनमें मेनली हमें जो है हमने एंगेज किया उन लोगों को कि अपने वहां पे जो है वुमेन्स के लिए स्पेशली टॉयलेट्स बनाना और उनका जो है यूज करवाना। ठीक, और इसी के लिए जो है विलेजेस में काफ़ी सारे जो है जन आंदोलन भी चले थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है अवेयरनेस लोगों को करवाया गया सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से राइटर ये बताना है कि जो आपका 4P है वो काफ़ी सक्सेसिव रहा है इंडिया में, स्पेशली अगर आप लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की बात करोगे, जल जीवन मिशन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ अथा है। और स्पेशली अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वर्ल्ड बैंक भी फोकस करना चाह रहा है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्रेजिलिटी, वाटर, एनर्जी एक्सेस, फूड सिक्योरिटी जैसे चीजों के लिए भी हम जो है इन 4P का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज था। थैंक यू।